I was told, don't marry Saif because, you know, your career is over. And my attitude was like, well, that's fine. If they don't want to work with me, I'll sit at home. I'll do something else. करीना कपूर खान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो सैफ अली खान को लेकर के शॉकिंग स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, करीना कपूर खान अपने स्टेटमेंट में कह रही हैं कि उनको सैफ अली खान से शादी करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि सैफ अली खान ऑलरेडी शादीशुदा थे। जी हां, करीना कपूर खान ने अपने वीडियो में स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनको कहा गया था कि सैफ अली खान से अगर वो शादी करती हैं तो उनका करियर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक मैरिड वुमेन की करियर इतनी ज्यादा नहीं चलती है फिल्मों में। इतना ही नहीं, करीना कपूर खान ने आगे जो बात कही उसके बाद से तो वो करीना टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं। जी हाँ, करीना कपूर खान ने सैफ अली खान को लेकर के कहा कि उनकी फैमिली ने मना किया था कि सैफ अली खान से शादी मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो दूसरे धर्म का है और इसीलिए तुम्हारी शादी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इतना ही नहीं, करीना ने ये भी कहा कि मेरी फैमिली के अलावा फ्रेंड्स ने भी मना किया था कि मैं शादी सैफ अली खान के साथ ना करूं, मगर मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने सैफ अली खान से शादी कर ली और ऐसे में अब मैं बहुत ही ज्यादा पछता रही हूं। बता दें कि उनके ये स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद से फैंस भी कयास लगाने लग गए हैं कि आखिर करीना ने ऐसी बातें क्यों की है। बता दें कि कई लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि करीना कपूर ने ये बातें इसलिए की है क्योंकि उनका सैफ अली खान के साथ में डिवोर्स हो रहा है। हालांकि करीना कपूर खान और सैफ अली खान की ओर से उनके डिवोर्स पर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, मगर करीना कपूर खान का सैफ अली खान के साथ शादी करने वाला स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बड़ा बताइए इस खबर पर आपका क्या कहना है।